नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर सुबह से लेकर शाम तक की सभी बड़ी खबरें बताई जाती है। अगर आप भी सभी प्रकार की खबर जानना चाहते हैं तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाले घंटे के बटन को जरूर दबा लें ताकि आने वाले वीडियो की आपको सबसे पहले सूचना मिल सके। आज की पहली ताजा बड़ी खबर आ रही है। पीएम मोदी ने मन की बात में कहा कि हिंसा से किसी भी तरह का समाधान खोज रहे लोगों से मैं अपील करता हूं कि वह वापस लौट आए। पीएम मोदी ने कहा कि हिंसा करने से कोई भी रास्ता नहीं निकलता है और न ही कोई समाधान होता है। मन की बात में पीएम मोदी ने 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा देने जा रहे स्टूडेंट्स को बधाई दी है। अगली ताजा बड़ी खबर हरियाणा से जुड़े हो सकते हैं। पुलवामा अटैक के तारे, पुलिस ने मांगी गाड़ी की जानकारी। अगली ताजा बड़ी खबर है केरल की 10,000 मस्जिदों पर फहराया गया तिरंगा। अगली ताजा बड़ी खबर है हार के बाद न्यूजीलैंड के खिलाड़ी ने चहल को दी गाली। ऑकलैंड में खेले गए दूसरे 20-20 मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को 7 विकेट से हरा दिया है। न्यूजीलैंड की टीम ने दूसरे 20-20 मैच में कई गलतियां की, लेकिन उसके एक बड़े खिलाड़ी से मैच के बाद भी एक ऐसी गलती हुई जो अब सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रही है। ये खिलाड़ी कोई और नहीं मार्टिन है, जिन्होंने ऑकलैंड के 20-20 खत्म होने के बाद भारतीय टीम के खिलाड़ी चहल को गाली दे दी। इसी दौरान भारतीय उप कप्तान रोहित शर्मा भी वहाँ पर मौजूद थे। अगली ताजा बड़ी खबरारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम सब अपने कर्तव्य के प्रति सचेत रहे तो कोई टकराव नहीं होगा। अगली ताजा बड़ी खबरारी चीन में कोरोना वायरस से अब तक 56 लोगों की मौत हो गई है। 324 लोगों की हालत नाजुक बताई गई है। अगली ताजा बड़ी खबर आ रही है केजरीवाल का हमेशा से सवाल है, महंगाई के समय बीजेपी समर्थकों के बच्चों की पढ़ाई का ध्यान किसने रखा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बीजेपी समर्थक के घर जाने पर कटाक्ष करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को कहा कि मंत्री को पार्टी समर्थकों से पूछना चाहिए कि महंगाई के दौर में उनके बच्चों की पढ़ाई का ध्यान किसने रखा। इससे पहले शाह ने ट्विटर पर 2 तस्वीरें शेयर की थी जिसमें वे बीजेपी के एक समर्थक के घर में दिख रहे। अगली ताजा बड़ी खबर आ रही है भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने आम आदमी पार्टी को आज कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि यह पार्टी दिल्ली के चुनाव में झूठ और फरेब के मुद्दे पर सफर नहीं हो पाएगी। महज अपनी नाकामी छुपाने के लिए बयानबाजी करना और देश की साख पर बट्टे लगाने का काम केजरीवाल और कांग्रेस ने नागरिकता संशोधन कानून के आड़ में किया है, उसका करारा जवाब दिल्ली की जनता इस चुनाव में देगी।